गुड इवनिंग। कल रात में 11 बजे मेरा चौरसे पे व्हीकल चेकिंग के दौरान क्राइम इंस्पेक्टर नागेश रेड्डी साहब के सदारत में उनके स्टाफ दो लोगों को कस्टडी में लिए। वो दो लोगों का नाम बोल सो नियाज मोहम्मद और नईम अलवी है। ये दोनों अपाची व्हीकल पे जा रहे थे, उनको चेक करने पे उनके पास से थोड़े एटीएम कार्ड्स बरामद हुए और फर्दर पीएस बुलाने के इंट्रोडक्शन करने पे ये पता चला कि ये लोग जुमला सिटी पुलिस के 10 केसों में इन्वॉल्व है। ये 10 केसों में से आसिन नगर के 5 केस, हुमायूं नगर के 2 केस, कुलसुमपुरा के 1 केस, माधवनपेट गंजनबाग का 1-1 केस। डाइवर्टिंग अटेंशन गैंग है ये दोनों का। ये लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये लोग एटीएम मशीन के पास जाकर ठहरते, जहाँ पर भी इलिटरेट या तो ओल्ड बुजुर्ग लोग आते ड्रॉ करने के लिए, उनकी मदद करने के तहत वो लोग अंदर जाके उनसे कार्ड लेकर पिन नंबर ले लेकर मशीन में से पैसे नहीं आए बोलकर फिर पुराना एटीएम कार्ड उनके हाथ में पकड़ा देके वो लोग वहाँ से गायब होकर दूसरे मशीन से ड्रॉ करते हैं पैसे, या ना तो कोई इमीडिएटली कोई पेट्रोल पंप पे या कोई शॉप पे जाके वहाँ पे स्वैप करके 2% कमीशन देके पैसे उठा लेते हैं वहाँ से। तो इसी तरह पे 4 लाख के ऊपर पैसे ये लोग गबन किए हैं, उसमें से आज 1,94,000 रुपीज़ बरामद हुए हैं इनके पास से, और टोटल 149 एटीएम कार्ड्स और एक अपाची गाड़ी बरामद हुई। और ये लोग यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ पर हैदराबाद में ऑलमोस्ट 2 महीने से ऑपरेट किए थे, और ये नामपल्ली के एरिया में छोटे मोटे लॉज में उतरते हैं, काम करके चले जाते हैं। तो तहकीकात जारी है। 10 केसेस मतलब ये कितने टाइम के हैं? ये 2 महीने के दौरान के केसेस हैं। 2 महीने तक 9 केसेस वेज जोन में के, 8 केस वेज जोन के हैं, 2 केस साउथ जोन के। तो वेज जोन में लोग आसानी से क्यों के लोग वेज जोन को टारगेट करेंगे, क्योंकि आसिम नगर, हुमायूं नगर, टप्पा दुदा तीनों करीबी छे जी। ये लोग ये रोड पे करने का मतलब क्या है? वो तो बुजुर्ग लोग या एलिटेड लोग टारगेट करते हैं। इनके पास पासवर्ड कहाँ से आता है? देखिए, अगर सपोज मैं हूँ, अकेले मशीन अपील ये है कि बेसिकली ये लोग अपना मशीन, अपना कार्ड अपने ही रखना, अपना पिन नंबर किसी शेयर नहीं करना और किसी को हैंडल नहीं करना जाना। अगर हैंडल करना नहीं आता तो अपने कोई रिश्तेदार को, अपने बच्चे को लेके जाना, ऑपरेट करना।